स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पाठशाला में। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वे है कैप्चा। इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है वह टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता है और आप सभी को कुछ टेक्नोलॉजिकल टर्म्स पता होनी जरूरी होती है जो आपके नॉलेज में तो इजाफा करेगी। तो आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे कि कैप्चा जो होता है, जो इंटरनेट की दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है, उसका मीनिंग क्या होता है, कहाँ पे यह यूज़ होता है। तो पहले जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है कम्प्लीटली ऑटोमेटिक पब्लिक टर्निंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर ह्यूमन अपार्ट। तो इन जनरल कैप्चा जो होती है वे ऐसा एक सिस्टम है जो इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन फीड अप करने वाली जो सिस्टम है वे मशीन है या ह्यूमन है वे रिकॉग्नाइज करने का काम करती है। अब टर्निंग टेस्ट के बारे में यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको बताना चाहूँगा कि टर्निंग टेस्ट ऐसी टेस्ट है जो टेस्ट हम कैरी करते हैं। दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक मशीन को पूछा जाएगा और एक ह्यूमन को पूछा जाएगा। उनके जो आंसर आते हैं उन आंसर में अगर हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि विच इज़ द आंसर फ्रॉम मशीन एंड कंप्यूटर, तो उसे हम कहेंगे टर्निंग टेस्ट। तो इसी टर्निंग टेस्ट को रिवर्स करने के लिए यह कैप्चा सिस्टम जो है वे यूज़ की जाती है। इसमें एक सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन या इमेज या वर्ड या ऑडियो यह प्रोवाइड किया जाता है जो ह्यूमन ही रिकॉग्नाइज कर सकेगा, बिकॉज इट हैज़ अ एबिलिटी टू थिंक इवन दैट द मशीन हैज़ अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वे फिर भी यह सिस्टम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। अफकोर्स आज के दिन में नहीं क्रैक कर पा रहे, लेकिन जैसे जैसे फ्यूचर में आगे हम बढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वे कैप्चा को भी ब्रेक करेंगे। लेकिन तब तक कैप्चा का जो आज का ढांचा है वे भी चेंज हो चुका होगा, तब वे ब्रेक करना भी उतना ही डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसका ओरिजिन अगर हम देखें तो इट इज ओरिजिनेटेड इन द ईयर ऑफ 2000 बाय लुई स्वेन एंड प्रोटेक्ट करती है कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन फीड अप की जा रही है, तो डिसाइड करती है कि वेदर इट दिस इंफॉर्मेशन इज फीड अप बाय द ह्यूमन और बोट। बोट का यहाँ पे मीनिंग होता है रोबोट और ऑटोमेटेड मशीन। तो यहाँ पे बोट का मीनिंग होता है जो कंप्यूटर मशीन्स है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स हो सकते हैं या तो फिर हैकर्स हो सकते हैं। तो हैकर से ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम जो है डेवलप कर देते हैं और जो इंफॉर्मेशन फीड अप करनी है वे कंप्यूटर प्रोग्राम अपने आप ही फीड अप करते हैं। जैसे कि नाम आपका पूछा होगा तो वहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम एक रैंडमली नाम वहाँ पे दे देगा। उसके बाद मोबाइल नंबर पूछा होगा तो रैंडमली एक मोबाइल नंबर जनरेट करके वहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन वे सिस्टम में पुट करने लगेगा और लास्टली वह फॉर्म जो है वे सबमिट करेगा। तो यहाँ पे जो कैप्चा सिस्टम है वे इस सबमिशन को, जो फॉल सबमिशन है, उससे प्रोटेक्ट करती है। तो प्रोटेक्शन किस तरह से होता है, फॉर एग्जाम्पल हम जीमेल में अगर देखें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि हैकर्स अगर यहाँ पे है तो वे मशीन का यूज़ करके जीमेल के अकाउंट पे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से अकाउंट बनाने के लिए जरूरी सभी इंफॉर्मेशन फिलअप करना स्टार्ट कर देगी। बट जैसे ही मशीन्स या कंप्यूटर या हम कहेंगे कि हैकर्स उस कैप्चा तक जाते हैं थ्रू द कंप्यूटर प्रोग्राम, वहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। इसी का मीनिंग है कि वहाँ पे यह प्रोसेस जो है वे ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि मशीन ह्यूमन की तरह सोच नहीं सकती और इसी वजह से कैप्चा वेरिफिकेशन यहाँ पे एक डुप्लीकेट अकाउंट बनाने से सिस्टम को रोक सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे एक एग्जांपल हुआ। इसी तरह कई कैप्चा होते हैं, जैसे कि मैंने फर्स्ट कहा कि विजुअल कैप्चा, जहाँ पे कुछ इमेजेस या टेक्स्ट हो सकते हैं उनके यूज़ करके हम यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन ला सकते हैं। सेकेंड होता है ऑडियो का कैप्चा। इस ऑडियो कैप्चा में क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर जो है वे सुनाई देंगे, उस सुनाई देने वाले कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करके टाइप करना होता है। अब यहाँ पे विजुअल कैप्चा जो होते हुए उसमें दो टाइप्स होते हैं, एक टेक्स्ट बेस्ड जिसमें अल्फाबेटिकल्स अल्फाबेट्स के यूज़ किया होगा या अल्फा न्यूमेरिकल यूज़ किया होगा, एंड सेकंड होता है इमेज बेस्ड जिसमें ग्राफिक कैप्चा भी हम इसे कह सकते हैं। अब टेक्स्ट बेस्ड में क्या होगा कि आपको कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। यह क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकते हैं जिसका आंसर आप अगर देते हो तो आप वेरीफाई हो जाओगे, जैसे कि व्हाट आर 20-3। अब 20-3 का आंसर जो है मशीन्स को शायद से पता ना हो, तो यहाँ पे जनरली ह्यूमन जो है वे इजिली से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सेकेंड यहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज द थर्ड लेटर ऑफ यूनिवर्सिटी, तो आपको पता है कि थर्ड लेटर आई है, तो आप आंसर में आई अगर टाइप करते हो तो
आंसर एक्सेप्ट हो जाता है। अब यहाँ पे कैप्चा की और भी कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें ग्लिम्पी टाइप, ईजेड ग्लिम्पी, बफेल्स एंड एमएसएन कैप्चा जो है वे होता है। अब यहाँ पे ग्लिम्पी टाइप जो कैप्चा होता है उसमें वर्ड होती है जो डिस्टॉर्टेड होती है, ढांचा है उसे चेंज कर दिया जाएगा और जिसे रिकॉग्नाइज करना इतना आसान नहीं होगा जो कंप्यूटर सिस्टम रिकॉग्नाइज कर सके। अब कंप्यूटर सिस्टम कैसे रिकॉग्नाइज करती है, उसके लिए यूज किया जाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR। अब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन ऐसा एक प्रोग्राम है, अगर उसे यह वर्ड दिख गया देन द सिस्टम कैन रिकॉग्नाइज फर्स्ट लेटर इज G, सेकंड इज I, थर्ड इज M, फोर्थ इज P एंड फिफ्थ इज Y। अगर कैप्चा में ऐसा ही वर्ड दे दिया तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन से प्रोग्राम जो है वे इस वर्ड को रिकॉग्नाइज कर लेगा और कैप्चा के जो भी कुछ सेक्शन होंगे वहां पे इसे टाइप कर देगा। तो इस चीज को रोकने के लिए इन वर्ड को डिस्टॉर्ट किया जाता है। अब यहाँ पे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन अगर हम अप्लाई करते हैं तो इन वर्ड को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है वे नहीं रीड कर पाएगा और इनको ह्यूमन ही रीड कर पाएंगे। ईजेड ग्लिम्पी में क्या होता है कि यहाँ पे कुछ रैंडमली वर्ड पिकअप होते हैं फ्रॉम द डिक्शनरी और आइदर फ्रॉम द अल्फाबेट्स, तो यहाँ पे उसमें डिस्टॉर्शन अप्लाई करके ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन पढ़ने की कोशिश करेगा तो ड्यू टू द बैकग्राउंड पैटर्न इसे वह रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता और यह वर्ड जो है वे ह्यूमन ही यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। थर्ड होता है बफेल टेक्स्ट। अब यहाँ पे बफेल टेक्स्ट में क्या होता है कि कोई वर्ड जो है डिक्शनरी से नहीं लिया जाता, यहाँ पे रैंडमली वर्ड जो है वे यूज किए जाते हैं अल्फाबेटिकल और उन्हें डिस्टॉर्शन इस तरह से दिया जाता है तो यह ह्यूमन ही पहचान सकते हैं। अदर कंप्यूटर प्रोग्राम हो गए तो उन्हें यह रिकॉग्निशन करने की कैपेसिटी यहाँ पे नहीं होगी। नेक्स्ट कैप्चा सिस्टम आती है टेक्स्ट में, वह होती है MSN। तो माइक्रोसॉफ्ट की यह स्पेशल टेक्निक थी जो मेल डिलीवरी के लिए यूज की जाती थी। अब यहाँ पे डिस्टॉर्शन के साथ कुछ लाइंस या पैटर्न जो है वे आ जाते हैं, इसके वजह से ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है वे इन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। इसी के साथ वर्ड की जो प्लेसिंग है वे आप देख सकते हो कि उन्हें कई डायरेक्शन में रोटेट कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल कंप्यूटर प्रोग्राम जो है इन्हें रीड नहीं कर पाएगा, ओनली ह्यूमन कैन रीड दिस। अब नेक्स्ट जनरेशन आती है कैप्चा की, वह है इमेज कैप्चा, जो आसान होते हैं ह्यूमन के लिए लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं कंप्यूटर के लिए। तो आपको मैंने कहा था कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कई बार ऐसे जो वर्ड्स है उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेते, कुछ क्वेश्चन जो है उनका भी आंसर दे सकते, लेकिन इमेज रिकॉग्निशन में वहाँ पे बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। जैसे कि यहाँ पे कुछ कलर्स के नाम पूछे होंगे, टेक्सचर पूछे होंगे, शेप पूछे होंगे, स्पेशल एक लोकेशन या कुछ स्पेसिफिक ऐसा कुछ पूछा होगा, तो इस क्वेश्चन के वजह से ओनली ह्यूमन कैन डिसाइड दैट इमेज हैज दैट पार्ट, तो वैसे की रिकॉग्निशन आसान हो जाता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं पिक्चर्स में, अब पिक्चर कैप्चा में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है क्लिक ऑन द पिक्चर ऑफ द एरोप्लेन, द बोट एंड क्लॉक, तो यहाँ पे आपको इमेजेस में 9 इमेजेस दिख रही है, यहाँ पे आपको 3 इमेज सिलेक्ट करनी, कौन कौन सी सिलेक्ट करनी है, एरोप्लेन, बोट एंड क्लॉक। तो आपको पता है कि एज अ ह्यूमन यू कैन रिकॉग्नाइज दिस इज द क्लॉक, दिस इज द बोट और दिस वन इज द एरोप्लेन। अगर आप यह तीनों इमेज क्लिक करते हो तो सिस्टम रिकॉग्नाइज यू आर ह्यूमन। अब यहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम होगी तो उनको यह रिकॉग्निशन जो है वे इतनी आसान नहीं होगी और यहाँ पे क्वेश्चन कंटिन्यूअसली चेंज होते जाएंगे, वैसे भी यहाँ पे इमेज भी चेंज होती जाएगी, तो यहाँ पे रिकॉग्निशन कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं कर पाएगा लेकिन ह्यूमन पर्सन जो है वे जनरली कर पाता है। इसी के साथ नेक्स्ट कैप्चा होती है इमेज कैप्चा में बोंगो। अब इस प्रोग्राम में क्या होता है कि कुछ विजुअल पैटर्न जो है वे आपको रिकॉग्नाइज करने, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हो किटन ऑथेंटिकेशन, इस इमेजेस में बहुत सारे एनिमल्स के फोटो हो गए, उनमें से आपको किटन्स के फोटो जो है वे सिलेक्ट करनी है, जितनी भी किटन्स यहाँ पे दिखेगी बिल्ली के छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें किटन हम कहते हैं, तो वे आपको सिलेक्ट करने, जो ह्यूमन पर्सन जो है वे इजिली सिलेक्ट कर सकता है लेकिन कंप्यूटर को यहाँ पे वे रिकॉग्निशन करना आसान नहीं होगा। क्योंकि थर्ड होता है ऑडियो ऑथेंटिकेशन, जिसे ऑडियो कैप्चा भी कहते हैं। इस कैप्चा में आपको एक वर्ड या कुछ सीरीज ऑफ अल्फाबेट सुनाई देंगे जिसे आपको यहाँ पे टाइप करना होता है, उसके बाद उसमें कुछ इशू भी होते हैं विद द कैप्चा। तो यहाँ पे फर्स्ट इशू होता है जो डिस्टॉर्शन, कई बार ह्यूमन उसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, इनका इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है, ये 4 एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो। ऑनलाइन पोल, अगर ऑनलाइन पोल कंप्यूटर सिस्टम फीड अप करना स्टार्ट कर दे तो आप सोच सकते हो कि जो रिजल्ट हमें चाहिए वे रिजल्ट हमें मिल जाएंगे, जो रिजल्ट हमें चाहिए वे रिजल्ट हमें मिल जाएंगे थ्रू दी कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर हैकर ने सोच लिया कि मुझे यही रिजल्ट पोल का लाना है तो वे एक कंप्यूटर प्रोग्राम को कंटिन्यूअसली अलग अलग इन्फॉर्मेशन फीड अप करके पोल जो है वे सबमिट करवा सकता है, तो उसे अवॉइड हम कर सकते हैं बाय द एप्लीकेशन ऑफ कैप्चा टू प्रोटेक्टिंग द वेब रजिस्ट्रेशन। अगर कोई प्रोग्राम ओपन हो रहा है और रजिस्ट्रेशन हो रहा है, या तो फिर कई बार बसेस के सीट हो गए, या तो फिर आप सिनेमा हॉल में जाते होगे तो वहाँ पे आप सीट बुक करते हो, तो यह सीट जो है वे कंप्यूटर प्रोग्राम अपने आप ही बुक कर देगा और सब सीट वैकेंट सीट जो है वे ऑक्यूपाई दिखेगी और उसके बाद यह सीट जो है वे उनको हाई रेट में अलग प्लेटफॉर्म पे बेच दिया जाए। तो इनसे प्रोटेक्शन करने का काम कैप्चा करता है।
थर्ड होता है प्रिवेंटिंग द कमेंट स्पामिंग सिस्टम है, जो कंप्यूटर प्रोग्राम से कुछ वर्डिंग जो है वह कंटिन्यूअसली डालती है, तो ऐसे कुछ मैसेजिंग या स्पामिंग हो गए तो उनको प्रिवेंट करता है। एंड ईमेल स्पाम, जो जहाँ पे हमें स्पाम ईमेल आते हैं जिससे हैकर्स जो है वे हमारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए भी यह कैप्चा सिस्टम वर्क करता है। तो इसके और भी कुछ एडवांटेजेस है, इसमें हम ह्यूमंस और मशीन्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ऑनलाइन पोल ज़्यादा वैलिड कर सकते हैं, स्पाम्स एंड वायरसेस का अटैक भी हम यहाँ पे रिड्यूस कर सकते हैं, एंड यहाँ पे हम जो फ्री ईमेल्स अकाउंट सर्विसेज है उनकी मिसयूज़ भी यहाँ पे रोक सकते हैं। कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं इस पूरी सिस्टम के, कैप्चा सिस्टम में कुछ कैप्चा जो है वे बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं रिकॉग्निशन के लिए। कुछ जो सिस्टम है वहाँ पे कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो डिफिकल्टी हमें आ सकती है वर्ड्स में और उनकी रीडिंग में। सेकेंड है, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उनको हो सकती है तकलीफ इन कैप्चा को रिकॉग्नाइज करने में। यह पूरी सिस्टम जो है, सबमिट एक फॉर्म का बटन था जिस पे सबमिशन करने के बाद फॉर्म सबमिट होने वाला था, लेकिन अब इस सिस्टम की वजह से यहाँ पे टाइम जो है वे एक्स्ट्रा लगेगा एंड इट मे कॉज द टाइम कंज्यूमिंग सिस्टम। अब कैप्चा अगर आपसे भी गलत हो गया तो फिर वापस वो पूछेगा, तो ये यहाँ पूरी सिस्टम में टाइम कंज्यूम जो है वे ऑब्वियसली यहाँ पे होने वाला है। और टेक्निकल डिफिकल्टीज भी हो सकती है क्योंकि कैप्चा जो है वे इमेज बेस होगा या तो फिर कोई जावास्क्रिप्ट से होगा या तो एचटीएमएल स्क्रिप्ट से होगा, तो हर एक वेब ब्राउजर में वो अच्छे से रन होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कैप्चा दिखेगा नहीं, कैप्चा नहीं दिखेगा तो वेरिफिकेशन होके आप कुछ सिस्टम को अगर कुछ सबमिट करना चाहोगे तो इवन दैट ह्यूमन कैन नॉट बी एबल टू सबमिट। तो यह उसके डिसएडवांटेजेस है। अब यहाँ पे डेमो देख, आपको ऑनलाइन एग्जाम देनी है, कुछ फॉर्म्स फिलअप करने हैं, तो लास्ट स्टेप होती है सबमिशन, उससे पहले कैप्चा जो है वे आपको पूछा जाएगा। इस कैप्चा से वेरिफिकेशन होगा, यू आर नॉट अ रोबोट और आई एम नॉट अ रोबोट, ऐसा एक चेकबॉक्स होता है, उसमें क्लिक करने के बाद आपको कुछ इमेज सोर्स हो गए या तो फिर टेक्स्ट सोर्स हो गए जिसकी वजह से आप वे वेरिफिकेशन कर पाओगे, तो उसी का वीडियो डेमो हम देखते हैं। चलिए, कई बार हम कुछ एग्जाम फॉर्म फिलअप करते हैं, कई बार आप कुछ वेबसाइट पे फॉर्म फिलअप करते होगे, तो रीकैप्चा या तो फिर इमेज वेरिफिकेशन कैप्चा जो है वे आपने फेस किया होगा, तो उसी का डेमो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। कई बार आपको दिक्कत होती है फॉर्म सबमिशन के लिए, और स्पेशली जब आप कोई इंटरनल टेस्ट गूगल फॉर्म से दे रहे होगे, तो फॉर्म यह जेन्युइन ह्यूमन पर्सन ही फिलअप कर रहा है, यही जानने के लिए गूगल का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैप्चा सिस्टम है रहता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस, यह फिलअप होने के बाद कुछ फेवरेट कलर्स पूछा होगा, और यहाँ पे एक ब्लॉक आता है जिसे चेकबॉक्स हम कहते हैं, जो रीकैप्चा का पार्ट है। उस चेकबॉक्स में यहाँ पे लिखा है आई एम नॉट ए रोबोट, इसका मीनिंग होता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं फिलअप कर रहा हूँ इट इज़ नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्राम, इट इज़ अ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग और कंप्यूटर प्रोग्राम को अलग करने के लिए यहाँ पे यह ब्लॉक जो है वे दिया होता है। अगर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो उसके तुरंत बाद यहाँ पे और वेरिफिकेशन के लिए एक इमेज आ जाती है, तो इमेज को हम कहेंगे इमेज कैप्चा। इमेज कैप्चा में मुझे यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर पूछा होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है वे हर बार चेंज होता है, जैसे कि अब पूछा है ट्रैफिक लाइट, मुझे इस इमेज में टोटल 16 इमेज छोटी छोटी दिख रही होगी, जहाँ जहाँ मुझे ट्रैफिक लाइट दिख रहे हैं उन्हें मुझे सिलेक्ट करना है, तो इस तरह से सिलेक्शन होने के बाद यह इमेज जो है वे सिलेक्ट हो जाती है। अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे वेरीफाई बटन आ जाता है, या तो फिर नेक्स्ट बटन आने के बाद और एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसमें सेम क्वेश्चन हो सकता है या तो अलग क्वेश्चन हो सकता है, तो और ट्रैफिक लाइट मुझे कहाँ पे दिख रही है, तो इन तीन इमेज में मुझे ट्रैफिक लाइट दिख रही है, तो मुझे वेरीफाई करने के बाद यह फॉर्म जो है वह वेरीफाई हो जाएगा, लाइक दिस इट इज वेरीफाइड नाउ। मैं इसे फिर से एक बार रिलोड करता हूँ और आपको वापस से दिखाता हूँ कि कौन कौन से इमेजेस हो सकती है जो आपको फेस करनी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यह क्वेश्चनरी जो है वे पूछी हुई है, आई एम नॉट अ रोबोट वाला चेकबॉक्स आएगा जिसे मुझे वेरीफाई करना है, तो यहाँ पे मैंने वेरीफाई जैसे ही यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वेरीफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी और मुझे इमेज दिखाई देगी जो गूगल अपने आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से बनाता है। अब यहाँ पे क्रॉस वॉक का क्वेश्चन पूछा है, तो जहाँ पे भी मुझे जेब्रा क्रॉसिंग दिख रही है या क्रॉस वॉक दिख रहा है उन सभी इमेजेस को मुझे सिलेक्ट करना है, तो इस तरह मैंने इमेजेस सिलेक्ट कर ली, तो इन तीन इमेजेस में मुझे क्रॉस वॉक दिख रही थी, और जैसे ही इमेज मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि वापस से इमेज आ गई जिसमें क्रॉस वॉक जो है वे आ रही है, तो इस तरह से क्रॉस वॉक जितने बार यहाँ पे आएगी तो मैं सिलेक्ट करता हूँ और अब मुझे क्रॉस वॉक कहीं नहीं दिखाई दे रही तो मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। इसी तरह से और कुछ क्वेश्चन आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा है बाइसिकल किस किस इमेज में है मुझे सेलेक्ट करने, तो मुझे यहाँ पे एक बाइसिकल दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, इन इमेज में दिख रही है, इसके अलावा वापस से यहाँ पे नया इमेज आया है उसमें बाइसिकल दिख रही है, यहाँ पे एक पर्सन बाइसिकल चलाते हुए दिख रहा है, तो इस तरह से मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ। अब कोई भी इमेज में बाइसिकल नहीं, मैं इसे वेरीफाई कर सकता हूँ। सिमिलरली और कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ पे भी क्रॉस वॉक पूछा है, तो यहाँ पे मुझे ये
तीन इमेजेस में क्रॉसवॉक दिख रही है। नेक्स्ट वही क्वेश्चन हो सकता है, तो अलग क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पे अब क्वेश्चन चेंज हो चुका है। व्हीकल मुझे कहाँ दिख रहा है, तो व्हीकल में होती है कार या अदर व्हीकल्स, तो यहाँ पे मुझे जितने भी इमेजेस में व्हीकल के पार्ट्स दिख रहे हैं उनको सबको मैंने सिलेक्ट करके वेरीफाई करना है। और कुछ सैंपल देखते हैं हम यहाँ पे। यहाँ पे मुझे स्टेज पूछे हैं जहाँ पे मुझे सीढ़ियाँ दिख रही होगी, तो मैं वे इमेज सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि मैंने ये इमेज सेलेक्ट कर ली, तो अब यहाँ पे वेरीफाई करने के बाद वो सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे पार्किंग मीटर्स दिख रहे हैं, जहाँ पे पार्किंग मीटर्स लगाए हुए हैं तो उनको मुझे सेलेक्ट करना है लाइक दैट। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ सैम्पल के तौर पर, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ पे व्हीकल कहाँ पे दिख रही है, तो दिस 2-1 एंड दिस 1-3, तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट करता हूँ, तो वापस से मुझे क्वेश्चन पूछा है व्हीकल का, तो यहाँ पे मुझे व्हीकल दिख रही है, टू व्हीलर और फोर व्हीलर ऐसा नहीं है, तो व्हीकल में सभी व्हीकल आते हैं। और इस तरह से यह प्रोसेस जो है वे वेरीफाई हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको गूगल का यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिकैप्चर सिस्टम समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको फॉर्म सबमिशन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपको यह सिस्टम जो है वे अब पता चल गई है।